दोस्तों जल्द ही हमारे आसमान में दो सूरज दिखने वाले हैं, लेकिन कैसे चलिए जानते हैं। दरअसल नासा ने हाल ही में ये बताया है कि हमारी पृथ्वी से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर एक विशाल सूरज जैसा तारा जिसका नाम बीटलग्यूज है, जो काफी समय से डिम हो रहा है और नासा के अकॉर्डिंग इस तारे की कुछ ही समय में फटने वाली है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतना दूर होने के बावजूद भी उस समय हमारे आसमान में दो दो सूरज दिखाई देंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसी घटना आज से करीब 6000 साल पहले भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग 2024 में दाएं बाएं लेफ्ट राइट टेमोटेशन, ऊपर से आपदाएं, प्रॉब्लम, भूकंप पर भूकंप, तूफान पर तूफान। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं लाया जितना 2024 हिलाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यह भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं करना, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है जो विश्वास करते हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। यह परमेश्वर की ओर से, जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है। शमसी का नाम आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है। उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक देश ऐसा बम गिरेगा तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, एक पूरा उस साइड में एक पुल बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग इंडोनेशिया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर कि छोड़ दो वो लाइन, परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में और काफी प्रॉब्लम्स होने झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। बेन हीम के पास्टर बेन हीम को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं दो टाइम सुबह प्रार्थना करके, दो टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। आमीन। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम, कोई पॉप हटा दिया जाएगा पुराना। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है जिनके नाम ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से, आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा आप जीत जाएंगे। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा, उनके लिए मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बुराई करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये साल आपके लिए तैयारी का साल होगा। कुछ चीजें आपको दिखाएगा, कई जगह ठंड पड़ती होगी वहां गर्म हो जाएगा, पहाड़ियां बर्फ की पिंगल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहाँ तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी, इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने के, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में।
केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करें कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर्फ हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा, मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे 2024 में। यूपी जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ, जो आप लोग जानते भी हैं परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजव्यूह दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है, वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है, हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें, हमारे बोलने वाला जीभ जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो, निडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर
अमल करने वाला बनना है, तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।